हमने कह रहे हैं कि पहली बात तो आप देखिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब पहली सरकार बनी थी, हम ही राज्य के मुख्यमंत्री थे और सर्वदलीय हमने मीटिंग बुला करके सर्वसम्मत से सभी दलों ने जो कहा उस समय बिहार की जो नियमावली थी उसको हम लोगों ने अंगीकार किया। उसके बाद उसी आधार पर 2015 तक नियुक्तियां होती रही। उस बीच में कई एक नियुक्तियां हुई है, पुलिस में भी बहाली हुई है, शिक्षकों की भी बहाली हुई है, जीपीएससी में भी हुई है। उसके बाद बीजेपी की फिर सरकार बनी 2014 में श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में, और उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके 1985 को आधार वर्ष बनाया। लेकिन आज तो हालत क्या है हेमंत सोरेन जी की, जरा सोचिए। जब हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे अर्जुन मुंडा के साथ, वही स्थानीय नीति को लेकर के समर्थन विड्रॉ किया, और आप तो 2 साल से भी अधिक समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, और आप कह रहे अध्ययन करा रहे हैं। भाई 14 साल, 15 साल, 20 साल से क्या कर रहे थे हेमंत सोरेन जी, क्या कर रहे थे जेएमएम वाले? इसलिए उनकी कोई नीति नहीं, उनको कोई समझ में खुद के भी नहीं आती है, और वो बिल्कुल और निर्णय की और समझ में अभी भी कह रहे हैं कि वो अध्ययन करा रहे हैं। अब आज सुने आपने सदन में उन्होंने क्या जवाब दिया, अध्ययन करा रहे हैं। अब उनको अध्ययन कराने में कितना समय लगेगा ये भी उन्होंने बता नहीं पाया। इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, इस राज्य की जनता, यहाँ की नौजवान उम्मीद नहीं कर रही है। और मैंने तो लोगों को कहा कि भाई आप इसे बहुत अधिक उम्मीद मत करो, थोड़े दिन और इंतजार करो, समय आने दो, सब ठीक कर देंगे। भाई मैंने कहा कि जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषाओं को आप महत्व देते हैं, तो वहाँ पर बाकी लोगों को भी आप हिंदी नहीं देंगे, तो इसका मतलब तो आपकी तुष्टिकरण हुआ। भाई अगर हमें द्वितीय भाषा के रूप में, हम दूसरी भाषा को नहीं जानते हैं, तो हिंदी को तो हमारी प्रायोरिटी है, उसको तो हमें देंगे ना, राष्ट्रभाषा है, उसमें से सारे लोग जानते हैं। अगर उसको आप दरकिनार करते हैं तो यही माना जाएगा आप सिर्फ और सिर्फ खास वर्ग के, खास तबके के लोगों को आप प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई उर्दू लिखना और बोलना मुझे नहीं लगता है कोई दूसरे वर्ग के लोगों को पता है। तो स्वाभाविक है कि ये सवाल उठेगी, राज्य की जनता, यहाँ के नौजवान, सरकार से लोग पूछेंगे, और इसकी जवाब देना पड़ेगा सरकार को। देखिए आज इस प्रदेश में हालात क्या बनी, यही सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर के कानून पारित करती है और कहती है 2 से अधिक की संख्या होगी तो उसको मॉब लिंचिंग मानी जाएगी। कानून बनते ही सिमडेगा में एक दलित बच्चे की मार पीट के हत्या करके घर के सामने, पत्नी और माँ के सामने आग में जला दी जाती है। वहां एक नहीं, 2-2 थाना के पुलिस उपस्थित थी, और आज तक उन पुलिसों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम सब लोग वहां जाते नहीं तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी नहीं होती, और उसके बाद बरही की घटना रुपेश पांडे के साथ होती है, और उसके बाद घटना होती है तो हम लोगों ने नहीं किया था। 4-4 जिला की सरकार ने नेट को, इंटरनेट को बंद कर दिया था। हजारीबाग जिला, रामगढ़ जिला, गिरिडीह जिला, चतरा जिला, पूछे किसने प्रचार किया पूरी दुनिया में, और ये कह रहे बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं ये। और उसके बाद भी जो अभियुक्त है उन लोगों का आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मात्र 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अरे सरकार के अंदर पास संवेदना नहीं है, संवेदना प्रकट करने के लिए लोग अगर कोई नेता जाते हैं तो हवाई अड्डा से लोगों को निकालने नहीं देते हैं। प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष जाते हैं तो रास्ते में आप रोक देते हैं, तो मामला को कौन ये कर रहा है? आपके अंदर में संवेदना नहीं है तो संवेदना प्रकट करने के लिए लोगों को तो जाने दीजिए। पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाते हैं, जहां से मुख्यमंत्री जिस जिला से आते हैं वहां कितनी घटनाएं क्या क्या हुई आप सब एक बार याद कर लीजिए। बरेड की घटना, रंगा थाना की घटना, रूपा तिरकी की घटना, और अभी 2 दिन पहले भी घटना हुई। आज हम वहीं जा रहे हैं, तालझारी जा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की हत्या होती है। कैसी झारखंड में सरकार चल रही है, यही लॉ एंड ऑर्डर है क्या? अब जितना हो सकता है हम लोगों के ओर से पूरे पार्टी उसके परिवार के साथ खड़ी है। हम लोगों की प्रयास है, पार्टी नहीं समाज को भी वैसे लोगों के साथ खड़ी होना चाहिए, और समाज भी खड़े हैं वैसे लोगों के साथ।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।